अच्छा, तो ये हमारे सामने हमारा वेब पेज खुल गया और ये हमें इस तरह से नजर आ रहा है। अब हम जाते हैं अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट है, डॉक टाइप, एचटीएमएल हेड, मेटा, बॉडी, और बॉडी के अंदर जाके हम एक आपको एक और एलिमेंट के बारे में बताते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जिसका नाम है डिव। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, कहें तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं? देखें, कोई भी ऐसा एचटीएमएल का एलिमेंट जिसको हम एक बार यूज करें और उसके बाद अगर कोई दूसरा एलिमेंट या उसी को यूज करें और जो आपका डेटा है वो सेम लाइन पर पैरेलल दिखाने के बजाय नेक्स्ट लाइन पे दिखाए, तो समझें कि वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सिर्फ ब्रिव ही नहीं, पैराग्राफ, H1, ये सब के सब जो हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, H1, H2, H6 वगैरह। इनको जब भी आप एक दफा लिखेंगे ओपन एंड क्लोज के बाद, सेकंड दफा जब यूज करेंगे तो ये कंटेंट आपको नेक्स्ट लाइन पे वेब पेज पे नजर आएगा, सेम लाइन पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा BUI, ये आपके कंटेंट को ब्रेक नहीं करते बल्कि सेम पैरेलल ही दिखा रहे होते हैं, ये इन लाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने एक डिव एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कराया और आपके सामने मैंने उसके अंदर लिखा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यहाँ लिख देता हूँ डिव इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, तो वेब पेज पे क्या होना है, ऐसे ही शो हो जाना है। अब यहां पर मैं इसको, इस एलिमेंट को CSS के जरिए मॉडिफाई करूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा? कंट्रोल N करके एक नई फाइल बनाऊंगा, कंट्रोल S करके सेव करूंगा और उसी फोल्डर में फाइल सेव कर रहा हूं। अब ये एक CSS की फाइल में बनाने जा रहा हूं तो इसका नाम क्या रखूं? देखिए, इसमें हम काम डिजाइन थीम वगैरह का कर रहे होते हैं तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई डिजाइन डॉट, टाइप रखेंगे इसकी CSS। HTML की फाइल HTML रखेंगे, CSS की फाइल की टाइप CSS रखेंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही फाइल को सेव करेंगे आप देखेंगे कि एक CSS की फाइल खुल जाएगी। अब ये जहन में रहे कि CSS की फाइल वेब ब्राउजर पर ओपन नहीं होती और ना ही इसको ओपन करना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, CSS की फाइल को लिंक करना है अपने वेब पेजेस के साथ। तो हम अपने वेब पेज के साथ लिंक कैसे करेंगे? अपने वेब पेज पर आएंगे, यहाँ पर टाइटल के बाद एंड पर जाएंगे, एंटर करेंगे, लिंक का एलिमेंट यूज करेंगे, रेल स्टाइल शीट पर जाएंगे, HREF का एट्रीब्यूट नजर आएगा और आपने अपने CSS की फाइल का नाम क्या रखा है, MY जैसे लिखेंगे तो पूरा नाम आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा VS कोड के अंदर। बाकी दूसरा एडिटर यूज कर रहे हैं तो उसका पता नहीं, वो आप यहाँ से पिक कर लें या टाइप कर दें। मेक श्योर के दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। मैं यहाँ से राइट बटन दबाता हूँ, रिवील इन एक्सप्लोरर करता हूँ, सॉरी फाइल एक्सप्लोरर करता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों फाइल एक ही फोल्डर में मौजूद है। तो अब हमारी CSS की फाइल लिंक हो चली वेब पेज के साथ। अब क्या करना है, तो अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अब याद रहे, जब भी किसी HTML एलिमेंट को CSS में जाके रीडिफाइन करते हैं तो CSS में उसको कैसे लिखा जाएगा, CSS में उसको विदाउट पैरेंथेसिस लिखा जाएगा, मतलब अगर डिव है तो डायरेक्ट लिखा जाएगा और उसकी आगे उसकी बॉडी बनाई जाएगी कर्ली ब्रेसेस की। स्टार्ट करके इधर आएंगे, यहाँ पर इसको हम डिव नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम इसको HTML एलिमेंट नहीं कहेंगे, CSS में इसका नाम है सिलेक्टर। क्या नाम है? यानी कि जितने भी HTML के एलिमेंट आप CSS में लेकर आएंगे तो वो कहलाएंगे सिलेक्टर। ये एक डिव एज अ सिलेक्टर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, डिव को एज अ सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर आपसे CSS में कोई पूछ रहा है व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे डिव। बोले डिव तो है लेकिन इसको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सिलेक्टर। अच्छा, यहाँ पर जाएंगे तो कहेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे डिव। भाई डिव क्या है? बोला ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सही है, अब कैसे डिफाइन करेंगे? तो CSS की कमांड्स मैंने आपको बताया था, चूंकि ये प्रॉपर्टीज होती हैं तो चंद प्रॉपर्टीज मैं आपको सिखाऊंगा आज और उसको आपने समझना है। फिर जिस भी सिलेक्टर को आपने मॉडिफाई करना है तो ये प्रॉपर्टीज उस पर इसी तरह काम करेंगी जैसे इसमें कर रही हैं। लेट सपोज मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे? एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बैकग्राउंड डैश कलर, ये लिखी हुई खुद ही आ जाएगी, क्लिक कर दें, ये आ गया सेपरेटर, ये आ गया स्टेटमेंट टर्मिनेटर और बीच में वैल्यू पास करनी है। कलर चाहे तो आप खुद लिख दें वरना ये आपको देगा, जैसे आप इसको डिलीट करके सेमी कॉलन लगाएंगे ये कलर्स की लिस्ट दे देगा और यहाँ से आप कलर चूज कर लें, पर ये फैसिलिटी आपको VS कोड में मिलेगी। ठीक है, तो मैं इस पे ये कलर लगा रहा हूँ, क्लिक कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दिया, देखें यहाँ पे इस तरह से। ठीक
अब मुझे इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो कलर फॉन्ट का चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। उस पर कलर क्या रखना चाह रहे हैं, नीचे है काफी सारे कलर से, मैंने ये कलर ले लिया, सेव एंड रिफ्रेश। फॉन्ट का साइज मुझे बढ़ाना है, फॉन्ट डैश साइज की प्रॉपर्टी है, कैसा साइज रखना है, 1 पिक्सल से लेके जितने 1000 पिक्सल तक आप साइज रखना चाहें रख लें। मैंने इसका साइज रखा 53 पिक्सल, सेव किया एंड रिफ्रेश। ठीक है, फिर आ जाए नीचे, क्लिक करते हैं यहाँ पे, मुझे इसका फॉन्ट टेक्स्ट अलाइन सेट करना है। टेक्स्ट डैश अलाइन की प्रॉपर्टी है, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट जो भी होते हैं अलाइनमेंट के वैल्यूज यहाँ पास करेंगे। तो ये देखिए, इसको वैल्यू कहेंगे, इसको प्रॉपर्टी कहेंगे, ये सेपरेटर आ गया बीच में, और ये कहलाएगा आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन। ओके, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट डैश फैमिली की एक प्रॉपर्टी है, यूज करेंगे। ये देखिए बहुत सारे फॉन्ट्स के स्टाइल्स आ गए, जो आपको समझ में आ रहा है वो यहाँ से ले लें, सेव करें एंड रिफ्रेश। फॉन्ट को थोड़ा सा मोटा करना है, इसकी जो वेट है बढ़ाना है, फॉन्ट डैश वेट की प्रॉपर्टी है, यहाँ से लेंगे, उसमें इसको बोल्डर या बोल्ड की वैल्यू पास कर दें। फॉन्ट को आपने जो है टेढ़ा करना है, फॉन्ट डैश स्टाइल की प्रॉपर्टी मौजूद है, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू इटैलिक पास कर दें। फॉन्ट को और क्या करना है, फॉन्ट के हमें वेट हो गया, फॉन्ट में अभी हमारा सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ जाके डेविस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इस तरह लिख देता हूँ, डेव डेव इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इसको एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, फॉन्ट वेरिएंट के नाम से वो प्रॉपर्टी है, उसको आप यूज करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे और उसको नॉर्मल स्मॉल कैप्स में रख के रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें, देख रहे हैं, जो स्मॉल लेटर्स में थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, जो स्मॉल लेटर्स थे वो कैपिटल में हो गए, जो कैपिटल थे वो थोड़े साइज में बड़े हो गए। तो इस तरह से भी आप इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? अच्छा, अब ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज जब अप्लाई करी इस डिव के ऊपर, तो आप देखेंगे कैसा पहले से बेहतरीन हो गया। अब आते हैं हम थोड़े से और दीगर एलिमेंट्स को भी यूज करना बताते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सपोज टू बी सी एस एस थीम, तो यहाँ पर H1 की जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपको नजर आ रही हैं। अब आइए इसको मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ गए नीचे इस सिलेक्टर के बाद, यहाँ H1 का एक और सिलेक्टर लगाया, उसके आगे एक बॉडी बनाई, ये देखिए। अब आप क्या चाह रहे हैं इसके साथ, आप इसके लेटर में स्पेसिंग चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग के नाम से, उसमें आप कितना केप देना चाह रहे हैं वो बता दें, ये देखिए। अब उसके बाद आप क्या चाह रहे हैं इसका फॉन्ट, इसका फैमिली चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दिया इसका, और स्पेसिंग को कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कम कर दीजिए। फॉन्ट के साइज को कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं तो फॉन्ट डैश साइज की प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए। कितना कम या ज्यादा करना चाह रहे हैं, मैं सपोज उसको 43 पिक्स पे करना चाह रहा हूँ, तो रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं जाके जरा एक और एलिमेंट को यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ, पैराग्राफ वाले को। मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट पैराग्राफ के लिख देता हूँ, लिखने के बाद यहाँ रिफ्रेश किया तो ये पैराग्राफ इस तरह से नजर आ रहा है। ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसके साथ भी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो इसको दोबारा CSS में जाके यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्टर बना देंगे इसका। सिलेक्टर बनाने के बाद यहाँ पर हमने इसके साथ क्या करना है, जो भी चीज़ आपको इसके साथ करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें जो है इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसका कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इससे इसका फॉन्ट का कलर चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ कलर है यहाँ पर, लेकिन वो कलर आपको समझ में नहीं आया, आपको ये कलर लेना था और लेकर आपने इस पर लगाया और ये इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आया, मज़ीद कलर आपको इसमें मिल नहीं रहे थे, तो जो कलर लिया उस पर थोड़ी देर आप अपना एरो रखेंगे, ये कलर का सिलेक्टर खुल जाएगा। इस सिलेक्टर में ये स्लाइडर है फोटोशॉप की तरह, जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से चूज करें, जो कलर आपने अप्लाई करना है वो यहाँ से अप्लाई करें, कितना ट्रांसपेरेंट करना है, कितना लाइट करना है, कितना डार्क करना है, उसको यहाँ से डिसाइड करेंगे। लेट सपोज आपने फुल ब्लैक कलर लिया और इसको थोड़ा लाइट करना चाह रहे थे, तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा ग्रे पे रखा, और यहाँ से कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, ये यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर बन जाएगा, और आगे कलर का मिक्सिंग कोड भी नजर आएगा, इसमें रेड की वैल्यू क्या है, ग्रीन की वैल्यू क्या है, ब्लू की वैल्यू क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इस वैल्यू को इसी तरह भी लिखेंगे तो वो कलर खुद से फॉर्म हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है,
अब आते हैं इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंप्रूव करना है, फॉन्टेज साइज 18 पिक्सल फॉन्ट साइज बताते हैं इसका, 18 पिक्सल्स हो गया। फॉन्ट मजा नहीं कर रहा, फॉन्टेज फैमिली ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। कौन सा फॉन्ट यूज करना है, सेवक यूआई यूज करना है, तो ये देखिए फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। दोनों साइड से जस्टिफाई करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, फॉन्ट डैश टेक्स्ट डैश अलाइन, और जस्टिफाई कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। देख रहे हैं, आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? वर्ड्स में थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, तो एक प्रॉपर्टी और भी है वर्ड स्पेसिंग के नाम से, वर्ड्स में थोड़ा गैप देना है, 5 पिक्सल का गैप दे देते हैं हर वर्ड के अंदर। तो ये देखिए हर वर्ड के अंदर 5 पिक्सल का गैप आ गया, थोड़ा और एक्सटेंड करके देख लेंगे तो ये आपको और बेहतर नजर आ जाएगा। तो कितना परसेंट आपने इसमें गैप देना है वो यहाँ पर आप इसका बता सकते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अच्छा बॉडी को यूज करना है एज अ सिलेक्टर के तौर पे, तो आप बॉडी को लिख दीजिए एज अ सिलेक्टर के तौर पे। उसके बैकग्राउंड कलर पे क्या कलर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कलर चूज कर लीजिए। लेट्स सपोज के कलर पे हम बैकग्राउंड में इंडिगो कलर देना चाह रहे हैं, इंडिगो लगा दें, रिफ्रेश कर दें, यानी पूरी बॉडी का कलर चेंज हो गया, ठीक है। इंडिगो कलर का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन लेना है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से इसको कितना लाइट और कितना डार्क करना है यहाँ से बताइए, थोड़ा लाइट हो गया, क्लिक करें थोड़ा और लाइट करना है, तो यहाँ से पकड़िए इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाइए, और यहाँ से इसको थोड़ा और ऊपर ले आइए और लाइट हो जाएगा। ये देखिए ये तो बहुत ही बुरा हो गया, ठीक है। अब फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट का कलर कौन सा रहेगा, क्योंकि ग्रे तो इस पर उठ नहीं रहा है, तो इस पर उठेगा वाइट, तो यहाँ से वाइट या लाइट थोड़ा सा वाइट कलर ले लें, ठीक है। तो थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद देखें कितना जबरदस्त इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे उनको किस तरह से CSS के जरिए कोड करके हम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये सेपरेटर जो वैल्यू को उसकी प्रॉपर्टी से अलग कर रहा है। अब एक और इसके अंदर जो मामला है वो इस तरह का है, फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर जो हमारे पास HTML एलिमेंट है, इसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा क्रॉलिंग करे, तो यहाँ पर एक और एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं हम जो कि इसको क्रॉल कराएगा, उसका नाम है मार्की। जैसे ही मार्की को आप लिखेंगे तो मार्की जो एलिमेंट है जहाँ तक अप्लाई करना है उसके बाद इसको क्लोज कर देना है, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने इस तरह से क्रॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसमें इसकी बिहेवियर और डायरेक्शन दोनों लिखी हुई है। डायरेक्शन में अगर आप इसको एक मिनट जरा इसको क्या दें, बिहेवियर अगर हम इसका चेंज करते हैं, सपोज अभी इसका स्लाइड है, अगर हम इसका बिहेवियर अल्टरनेट पर सेट करते हैं, इसकी वैल्यू पास करते हैं, तो ये इस तरह से क्रॉलिंग करता रहेगा, ठीक है। और अगर हम इसको स्लाइड करते हैं तो ये इस तरह से आएगा, और ये आके रुक जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली ऐसे जाके क्रॉस कर जाए, तो फिर ना आप इसमें अल्टरनेट लिखें ना कुछ भी लिखें, इसको बाय डिफॉल्ट पे रहने दें, फिर ये एक साइड से आएगा, दूसरी तरह चला जाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, और ये काम कंटिन्यूसली ये करता रहेगा। तो इस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे अप लिख देते हैं तो ये नीचे से निकल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डाउन लिख देते हैं सपोज टू बी, यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं तो ऊपर से आएगा नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम राइट कर देते हैं तो ये यहाँ से आएगा और राइट साइड पर चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये थोड़ा सा अगर आप टेक्स्ट को क्रॉल कराना चाहते हैं अपनी वेबसाइट्स पे, तो याद कर लें ये मार्की का जो एलिमेंट है इसको जहाँ ये इसका ओपन है ये क्लोज है, जो भी टेक्स्ट इमेज इसके बीच में आएगा ये उसके ऊपर ये इम्पैक्ट अपना डालेगा, सही है ना। वेदर बीच में अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट पर डालेगा, इमेज होगा तो इमेज पर डालेगा, लिंक्स होंगे तो उस पर डालेगा, तो फिर जो आप इसका बिहेवियर और डायरेक्शन सेट करेंगे ये उसके हिसाब से उसको फॉलो करेगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? ओके।
हाँ स्पीड भी कंट्रोल हो जाती है इसकी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं गूगल पर और यहाँ पे लिखते हैं मार्केव स्पीड कंट्रोल अट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्क्रोल अमाउंट, मार्क स्पीड कैन बी चेंज यूजिंग द स्क्रोल अमाउंट एट्रीब्यूट। तो स्क्रोल अमाउंट एट्रीब्यूट हम इसके बीच में ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या पास करते हैं। पहले मैं इसमें 5 पास करके देखता हूँ, शायद अगर इसकी वैल्यू ये है। ओके कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल, इफ यू आर यूजिंग स्क्रोल अमाउंट 1, देन इट सेट्स मार्क यू टू स्क्रोल वेरी लो एंड यू इंक्रीज द अमाउंट द स्क्रोलिंग अप्रीज द। अच्छा ठीक है, ये तो यही बता रहा है, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो उसको 10 करके देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। ओके 200, कोई नहीं फर्क पड़ रहा इसके ऊपर, तो यार क्या गलत बता रहा है क्या? देखें इसकी वेबसाइट पे इसने बताया हुआ है, बिहेवियर स्क्रोल रखना है, डायरेक्शन अप राइट जो भी रखनी है, स्क्रोल अमाउंट 1, 12, 20, 50। तो इसका काम कर रहा है तो हमारा क्यों नहीं काम कर रहा है? शायद ये मैंने इसका बिहेवियर में स्क्रोल लिख देता हूँ। ओ शाबाश, वेरी गुड, स्पेलिंग गलत है, तो अब देखें काम करेगा ये। ठीक है ना, यहाँ से हम उसको कम भी कर सकते हैं, तो ये क्यों और बढ़ा देते हैं उसको, ये और अच्छी हो जाएगी। पहले दिख रहा था क्या? ठीक है, ये दिमाग घूम रहा है। अच्छा ठीक है, चलो 10 कर लेते हैं बस। ठीक है ना, तो ये इस तरह से सारा काम किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप अपना वेब पेज क्लोज कर देते हैं यहाँ से, तो देखें आपके इस फोल्डर में दोनों फाइल सेव हैं, एक का नाम है class10.html, इसको जब भी खोलेंगे ये वेब ब्राउजर पे खुलेगी और वो थीम लेके लोड होगी जो इसके साथ लिंक किया गया है। इन केस अगर आप इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जैसे मैं इसको 1 मिनट डिलीट कर देता हूँ और फिर इसको खोलूँगा, तो ये अपने बेसिक वर्जन में नज़र आएगी, क्योंकि आपने इसका थीम या स्टाइल अलग कर दिया। और जैसे ही आप इसको वापस ले आते हैं उस फाइल को, तो आप नोट करेंगे कि वो दोबारा से कलर्स पे आ जाएगी। तो असल में सीएसएस से हुआ क्या कि हमने क्या किया कि कंटेंट अलग कर दिया और उसका थीम, उसका डिज़ाइन अलग कर दिया। इस तरह से हम इसको एक्सटर्नल मेथड के जरिए, तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से।